तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सारे। मेरा नाम है प्रतीक और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ऑटो शेल्टर के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम सबको ऐसे लग रहा था कि जीप जो है अपने कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च करेगी, जो कि हमारी जो वेन्यू है या फिर सोनेट है उससे राइवल करेगी। लेकिन जीप इंडिया में अपने फ्लैगशिप एसयूवी को लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है जीप ग्रैंड चेरोकी। ये जो है जीप की बहुत ही दमदार और बढ़िया सी एसयूवी है और जीप जो है इस गाड़ी को इंडिया में लोकली असेंबल करने वाला है। तो दोस्तों, इंडिया वालों के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है कि इस गाड़ी की यहाँ पे लोकली असेंबली होने वाली है और जीप ने ऑलरेडी 250 मिलियंस का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे इंडिया में किया है। तो जीप की और भी ज़्यादा दमदार एसयूवीज हमको इंडिया में देखने को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात कर रहे थे इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो इस गाड़ी में हमको जो है सामने की तरफ फ्लैट से हेडलैम्प्स मिलने वाले हैं, जिसमें हमको पूरी तरीके से एलईडी का सेटअप मिलने वाला है। और ये जो हेडलैम्प्स है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से नज़र आते हैं और इसमें हमको फुल्ली स्ट्रेट शेप में जो है DRL ऑफर की गई है, जो कि बहुत ही बढ़िया सी लगती है। इस गाड़ी में हमको जो है सामने की तरफ क्रोम की 7 स्लैग की ग्रिल ऑफर की गई है, जो कि हमारी जीप की टिपिकल सी ग्रिल है। और ये जो ग्रिल है बहुत ज़्यादा सीधी सीधी से हमको यहाँ पर नज़र आती है। गाड़ी के अगर हम बम्पर की बात करें तो गाड़ी में हमको जो है वो बहुत ही बड़ा सा एयर इंटेक वाला बम्पर दिया गया है और बम्पर में हमको जो है वो ADS का सेंसर भी लगा हुआ मिलता है और बम्पर में भी हमको जो है वो थोड़ी बहुत क्रोम की ट्रीटमेंट देखने को मिल जाती है। गाड़ी के अगर हम फॉग लैंप को देखें तो फॉग लैंप भी हमको LED में ऑफर किए गए हैं और बहुत ज़्यादा मिनिमल से शेप में हमको जो है वो फॉग लैंप्स ऑफर किए गए हैं। तो दोस्तों, गाड़ी के फ्रंट लुक को देखें तो बहुत ही मिनिमल और बॉक्सीसा डिज़ाइन हमको ग्रैंड चेरोकी में ऑफर किया गया है, जो कि बहुत ही डिसेंट सा भी नज़र आता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में हमको 18 या फिर 19 इंचेस के बड़े से अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाने वाले हैं, जिसमें हमको बहुत से कट्स देखने को मिलने वाले हैं। इस गाड़ी में हमको बॉडी कलर्ड व्हील आर्चेस देखने को मिलने वाले हैं, किसी भी प्रकार के हमको इसमें क्लैडिंग देखने को नहीं मिलने वाले हैं। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो बहुत ही सीधी सी लुक हमको साइड प्रोफाइल में भी देखने को मिलती है और दोस्तों, गाड़ी की जो रूफ लाइन है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट सी यहाँ पर रखी गई है। गाड़ी का जो फ्रंट डोर है उसमें हमको ग्रैंड चेरोकी की बैजिंग देखने को मिल जाती है और डोर हैंडल्स की बात करें तो डोर हैंडल्स हमको पूरी तरीके से क्रोम में कवर्ड यहाँ पर मिल जाते हैं। गाड़ी में हमको ड्यूअल टोन कलर्स के ऑप्शंस मिलने वाले हैं और रूफ जो है वो पूरी तरीके से हमको यहाँ पर ब्लैक देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों, ग्रैंड चेरोकी की जो विंडोज़ है उसमें हमको क्रोम की लाइनिंग मिलने वाली है विंडोज़ के नीचे और ऊपरी हिस्से में भी, जो कि बहुत ज़्यादा एनहांस कर देती है गाड़ी के लुक को। और दोस्तों, इस गाड़ी की जो लेंथ है वो 4.85 mm की है, तो इस गाड़ी में हमको जो है वो फॉर्चुनर वाली लेंथ मिलने वाली है और बढ़िया वाले फीचर्स भी मिलने वाले हैं। इस गाड़ी की खास बात के बारे में बात करें तो इस गाड़ी में हमको बढ़िया सी और बहुत ही कूल सी ऑफरोडिंग मिलने वाली है और बहुत ज़्यादा ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज़ हमको इस गाड़ी में देखने को मिलने वाली है। ये गाड़ी जो है ये पूरा पावर पैक परफॉर्मेंस हमको देने वाली है। तो चलिए, अब हम बात कर लेते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल के बारे में। तो रियर प्रोफाइल में भी हमको बहुत ही पतली सी LED लाइट्स ऑफर की गई है, जिसमें हमको पूरी तरीके से LED का सेटअप देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, ये जो दोनों टेल लाइट्स है ये कनेक्टेड एक बार से, जो कि हमको बूट डोर में इंटीग्रेटेड किया हुआ मिल जाता है। ऊपर की तरफ हमें बढ़िया सा स्पॉइलर मिल जाता है, जिसमें हमको LED में ही ब्रेक लाइट ऑफर की गई है। और गाड़ी में जो है पीछे की तरफ हमें ड्यूअल एग्जॉस्ट ऑफर किया गया है, जो कि फंक्शनल है, और इसमें हमको क्रोम की प्लेटिंग देखने को मिलती है, जो कि गाड़ी के पीछे के लुक को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देती है। पीछे भी अगर हम बॉडी लाइंस को देखें या फिर गाड़ी के डिज़ाइन को देखें तो बहुत ज़्यादा बॉक्सी और स्क्वेयरी सा डिज़ाइन हमको दिया गया है और बहुत ही सिंपल और कूल सा डिज़ाइन हमको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन की, तो इंडिया में हमको जो रैंगलर मिलती है उसी का इंजन ऑप्शन हमको इस गाड़ी में मिलने वाला है, जो कि 2.0 लीटर का टर्बो इंजन है। और ये जो इंजन है हमको 268 हॉर्स पावर निकाल के देगा और 400 Nm का बड़ा सा टॉर्क हमको ये इंजन जो है वो जनरेट करके देगा। 2.0 लीटर का इंजन जो है हमको सफारी या फिर अल्कज़ार में भी देखने को मिलता है, लेकिन टॉर्क फिगर जो है वो ग्रैंड चेरोकी की बहुत ही बढ़िया से हमको दी गई है। दोस्तों, बाहर के देशों में इस गाड़ी के दो वर्जन्स बेचे जाते हैं, जिसमें ग्रैंड चेरोकी और ग्रैंड चेरोकी L, इसे दो वर्जन हमको मिल जाते हैं। ग्रैंड चेरोकी L जो वर्जन है वो 7 सीटर वर्जन है, लेकिन इंडिया में सिर्फ 5 सीटर वर्जन ही आने वाला है। दोस्तों, बाहर के मार्केट में हमको इस गाड़ी के बहुत ज़्यादा वेरियंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें हमको लैरिडो, लिमिटेड एडिशन, समिट एडिशन, टेल हॉक एडिशन और समिट रिजर्व, ऐसे बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इंडिया में इसमें से कुछ ही वेरिएंट्स आने वाले हैं, तो उसके बारे में हम लास्ट में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। तो इंटीरियर में भी हमको बढ़िया बढ़िया अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं और मेटेलिक ट्रिम भी हमको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। डैशबोर्ड में हमको जो है वो वुडन की फिनिश मिलने वाली है और स्टेयरिंग व्हील भी हमको बहुत ही बढ़िया सा और यूनिक से पैटर्न में ऑफर किया गया है। स्टेयरिंग व्हील के जो कंट्रोल्स है वो हमको ग्लॉसी फिनिश में दिए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। और इस गाड़ी में जो हमको 10 इंचेस की बड़ी सी इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाली है और इसमें हमको बहुत ही बढ़िया बढ़िया से फंक्शंस भी मिलने वाले हैं। और इस गाड़ी के अगर हम बढ़िया सी फीचर की बात करें तो इस गाड़ी में हमको और एक को पैसेंजर के लिए एडिशनल स्क्रीन मिलने वाली है, तो ये भी बहुत ही बढ़िया सी बात होने वाली है। अगर आपको कुछ अलग देखना है और को पैसेंजर को कुछ अलग देखना है तो हम इसको ईजिली देख सकते हैं।
दोस्तों को पैसेंजर की जो स्क्रीन है वो हमको से डैशबोर्ड में इंटीग्रेटेड देखने को मिलती है, और ये जो स्क्रीन है इसकी वजह से गाड़ी के इंटीरियर को बहुत ज़्यादा एडवांस और ऐसा रिची सा लुक आ जाता है। जीप ग्रैंड चेरोकी में हमको बड़ा सा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है, और इसमें हमको जो है वो सेंटर में रोटेटरी नॉब मिलने वाला है, जिसकी वजह से हम जो गाड़ी है उसके गियर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमको मर्सिडीज़ में वगैरह देखने को मिलता है। तो इस रोटेटरी नॉब से हम गियर चेंज कर सकते हैं, PR NDS से हमको यहाँ पर कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों ये जो रोटेटरी नॉब है इसके लेफ्ट साइड में हमको टॉगल मिलने वाला है, जिससे हम ऑफ रोडिंग मोड्स पर गाड़ी को शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें हमको बढ़िया बढ़िया से ऑफ रोडिंग मोड्स और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ भी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों इस गाड़ी में हमको फॉर्च्यूनर की लेंथ मिलने वाली है, और इसमें हमको सिर्फ 5 सीटिंग ऑप्शन मिलने वाला है। तो इस गाड़ी में हमको बहुत ज़्यादा डिसेंट सी स्पेस मिलने वाली है, और इसमें हमको बड़ी सी सनरूफ भी ऑफर की गई है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया नज़र आती है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि इंडिया में हमको इस गाड़ी के कौन से वेरियंट देखने को मिल सकते हैं, तो इंडिया में हमको इस गाड़ी का लैरिडो या फिर समिट वर्जन देखने को मिल सकता है। समिट थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली इस गाड़ी का हमको लैरिडो वर्जन इंडिया में देखने को मिल सकता है। लैरिडो या फिर लिमिटेड, ऐसे दो एडिशन हमको यहाँ पर इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस गाड़ी की इंडिया में असेंबली होने वाली है। अगर इसकी प्राइसिंग को बहुत ही बढ़िया सा रखा जाता है तो जीप की जो ग्रैंड चेरोकी है उसके सेल्स इंडिया में बहुत ही बढ़िया हो सकती है। गाड़ी के एस्टिमेटेड प्राइस रेंज की बात करें तो यह गाड़ी हमको 60 लाख रुपए से लेकर 70 लाख रुपए तक के बीच में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इंडिया में गाड़ी कब तक आती है, और इस गाड़ी के कौन से वर्जन हमको इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यह था हमारे जीप के ग्रैंड चेरोकी के ऊपर का एक डेडिकेटेड वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।